हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका SBI में खाता है और इसी के साथ में अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आखिर हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए ताकि उस पर हम सामान खरीद सकें या फिर हम उसे MI पर सामान खरीद सकें उस क्रेडिट कार्ड से। ठीक है, जैसे कि आपकी जो लिमिट है यानी कि 40,000 से 50,000 तक की होना चाहिए। ठीक है, SBI वाले आपको यहाँ पर दें एक ऐसा कार्ड। ठीक है, तो इस कार्ड के लिए आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है चलिए जान लेते हैं। जैसे कि मैंने इस कार्ड को यहाँ पर अप्लाई किया था, मुझे 10 से 15 दिन में ही ये कार्ड मुझे मिल गया था। ठीक है, अब काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि बैंक वाले हमें क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसी के साथ में आपको कार्ड भी किस तरीके से मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपल करना क्या है, आपको अपने SBI योनो एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए आपको कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि डेबिट कार्ड, माय क्रेडिट कार्ड और आपको यहां पर मिल जाता है माय प्रीपेड कार्ड। ठीक है, तो आपको जिस तरीके का कार्ड चाहिए वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आज बात कर रहा हूँ सिर्फ क्रेडिट कार्ड की। ठीक है, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, आखिर आप कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप लाइफस्टाइल से रिलेटेड कार्ड चाहते हैं तो इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, कोई भी कार्ड होगा तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि चलिए मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, जो भी कार्ड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप इनमें से भी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं यहाँ से बैक करता हूँ और मैं यहां से बैक कर लेता हूं। ठीक है, उसके बाद में अगर आप रिवार्ड चाहते हैं, ठीक है, जो कि आप उस कार्ड को यूज करें तो आपको रिवार्ड्स मिले और उसके बाद में वो पैसों में कन्वर्ट हो ही जाते हैं, वो तो आपको पता ही है, तो आप इन कार्ड को भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप इन दोनों कार्डों में से कोई भी कार्ड को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं सिंपल सेव क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर कार्ड मंगवाया है, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस कार्ड को मैं दिखा जरूर देता पर मैं आपको इस कार्ड को दिखा नहीं सकता क्योंकि उस पर नंबर वगैरह होते हैं इसलिए। ठीक है, कार्ड बिल्कुल सेम इसी तरीके का है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अप्लाई नाउ पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ पर्सनल डिटेल डालनी होगी। ठीक है, इसी के साथ में प्रोफेशनल डिटेल्स और आपको यहाँ पर ये चारों चीज़ों को आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड है, आधार कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में उस पर OTP जाएगा और आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन कर देना है और स्टार्ट नाउ पर सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद में बैंक की तरफ से आपके पास एक कॉल आएगा और आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ में जो सबसे मेन पॉइंट है, ये कार्ड आपको तभी मिलेगा जब आपका लेन देन अच्छा होगा। ठीक है, अब अच्छा किस तरीके से होगा वो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि जो भी ट्रांजैक्शन है आपके डेली के होना चाहिए, जैसे कि एक दो ट्रांजैक्शन या फिर दो तीन ट्रांजैक्शन, अगर आप ज़्यादा लेन देन करते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन तब आपको इस तरीके के कार्ड मिल जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ में आपके जो अकाउंट है उस पर किसी भी तरीके का लोन वगैरह हुआ होना नहीं चाहिए। ठीक है, तब आपको इस तरीके के जो कार्ड हैं बहुत जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, मुझे तो यहाँ पर बैंक वालों ने ही फ़ोन किया था कि आप अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहें तो ले सकते हैं और वो मुझे क्रेडिट कार्ड यहाँ पर दे रहे थे करीब 60 लाख वाला। ठीक है, वो मुझे काफ़ी बड़ा कार्ड दे रहे थे पर मैंने कहा था कि मुझे इस कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई छोटा कार्ड हो तो आप दे दीजिएगा, तो मैंने तब उन्होंने ये छोटा कार्ड मुझे ये वाला दिया था। क्योंकि अगर हम जितना बड़ा कार्ड लेते उतने ही जो हमें फ़ीस है वो ज़्यादा पे करनी पड़ती साल की। ठीक है, तो जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं था। ठीक है, या तो मैं इतनी लंबी कोई बड़ी शॉपिंग करता तो यह है कि हमें यहाँ पर उसी हिसाब से उस कार्ड को लेना चाहिए था। ठीक है, उसमें वाउच भी मिल रही थी। ठीक है, तो पर मैंने उस कार्ड को नहीं लिया, उस कार्ड की फ़ीस थी लगभग यहाँ पर 1800 रुपये पर साल। ठीक है, तो मैंने उस कार्ड को नहीं लिया और इस कार्ड की फ़ीस है जो कि 500 रुपये साल। ठीक है, यानी कि पहली साल आपको यहाँ पर फ्री मिलेगा और आप जानते हैं अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और तो आपको यहाँ पर रिवार्ड्स वगैरह मिलते रहते हैं, तो आपको यहाँ पर साल में आप इतने यहाँ पर शॉपिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर छूट मिलती रहेगी। ठीक है, बराबर, तो इससे यह है कि अगर आप यहाँ पर सौदा आज ले लेते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं
ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर मूवी देखते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इससे पैसे दे सकते हैं और आप बैंक के लिए फिर 2 महीने बाद आप पैसे दे सकते हैं, ठीक है, और आपको किसी भी तरीके का चार्जेस नहीं लगेगा। तो यही ये कार्ड का फ़ायदा होता है और आप कार्ड को यहीं से ही अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियोस को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।